हूँ रागनी और आप देख रहे हैं रागनी टाइम्स। हमारे साथ है आज एक ऐसी बेटी कह सकते हैं हमारे देश की, और एक ऐसी लड़की जिसको 27 साल की उम्र में कैंसर हो गया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगी अपनी पूरी कहानी कि क्या क्या उन्होंने फेस किया है और कैसे इस जंग को जीत कर आज हमारे साथ बैठी है। शिखा, बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। शिखा, आप इतनी बड़ी जंग जीत कर आए हैं, तो सबसे पहले ना हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर और उसके साइन क्या होते हैं, क्योंकि सही समय पर जब बीमारी पता नहीं चलती तो उसका इलाज भी नहीं हो पाता। आपने क्या महसूस किया था? देखिए, हम गर्ल्स या महिलाओं का जो इंटरनल बॉडी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने ये अनुभव किया है कि आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्वयं का ध्यान रखना ज़रूरी है, और अगर बॉडी में कोई भी सिम्टम हो, इचिंग की भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा। मुझे इचिंग की ही प्रॉब्लम थी और कहीं ना कहीं उसी से मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई और स्किन से मुझे यहाँ तक मेरा हो गया, कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाही की वजह से। और ये भी कहना चाहूँगी कि आपका सही समय पे और सही जगह पे भी जाना बहुत जरूरी है।